विराट के बघेली समाचार में हम स्वाति अपना पंचन के स्वागत करी थे। शुरुआत करी थे बड़ी खबर से जो उनकी रीवा जिला से आवल्ला ही, जहां लोकायुक्त पुलिस जनपद पंचायत रीवा में रिश्वत ले दुई खोजखोर अधिकारी का गिरफ्तार की हिसी। बताए दे कि पकड़े गए आरोपी में कार्यपालन अधिकारी के साथ बाबू बताए जाते हैं। बतावा जात है कि 5,000 की रिश्वत ले रीवा लोकायुक्त पुलिस रंगे हाथ गिरफ्तार की हिसी। पकड़े गए अधिकारी में जनपद CEO विजय लक्ष्मी मरावी और बाबू महेंद्र वर्मा बताए जाते हैं। संजीव पांडे, हमारा ऑपरेशन हुआ था किडनी और हार्ट का, ये हाइड्रोसिल हार्डिया हाइड्रोसिल का, और माह अक्टूबर माह नवंबर की वेतन इन्होंने नहीं दिया और गुमराह कर रही थी। फिर इसके बाद इशारे से पैसा, इसके बाद आज इन्होंने 2 महीने में मिला, लगातार मिलता रहा इनसे, बाबू से मिल लो, बाबू से मिल लो, बाबू से मिल लो। इसके बाद मैं इनसे, मेरी किस्त दो घर का लोन का 500 हो गई, मेरी बेटी इंदौर में पढ़ रही है, उसको पैसे देना था, सारे खर्चे 2 महीने से नहीं मिल रहा, और डॉक्टर को 60,000 रुपये मैंने डॉक्टर को पेमेंट किया, एडमिट था जी, 2 बार एडमिट हुआ, मैंने सूचना दी इनको, लिखित सूचना दिया, इसके उपरांत नहीं देना है, इसका वेतन नहीं देना है, इसका नहीं देना है, देना क्यों नहीं था, पैसे चाहिए जी। तो किसी माध्यम से मांगा गया था, खुद मांगी थी या फिर कोई? हाँ, इशारा की कागज़ में लिख के काट देती थी, कागज में बाबू से मिल लो, फिर मैं बाबू से मिला, 3 दिन मिला, 4 दिन मिला, और फिर आज इन्होंने 5,000 रुपये लिए और बाबू ने 1,500 रुपये लिए। आप किस पद पे हैं? हम PCO हैं। आप वहाँ कर्मचारी? हाँ, कर्मचारी हैं जी जी, बिल्कुल मैं कर्मचारी हूँ। क्या वो आवेदन ऐसे सबसे मांगी जाती है काम के लिए क्या? हाँ, कर्मचारी हमसे तो लिया, अन्य लोगों से भी है, पेंडिंग फाइलें पड़ी हैं, रखी उनके टेबल में भी रखी हैं, 3 महीने से गुमराह कर रही हैं, अन्य लोग भी हैं पीड़ित, ऐसा नहीं कि मैं भी पीड़ित हूँ। यानी यहाँ पे बिना पैसे कोई काम नहीं? नहीं नहीं नहीं, सभी को ऐसे प्रताड़ित? नहीं, सारा मेडिकल बिल इन्हीं के टेबल में वहाँ रखा था, छुपा के रखी थी। जिला पंचायत के नाम से पैसे की मांग होती है? अपने अदर लोग होंगे, अपने जो मुद्दे होते हैं, हमसे हमारा मेडिकल मेडिकल लीव सैंक्शन के लिए 2 महीने से वेतन रोक के बैठी थी, मैंने 28 नवंबर को ज्वाइन के साथ दे दिया विधिवत, इसके बावजूद मैं मिला नहीं दे रही थी। इसमें एक आवेदक हैं संजीव पांडे, ये परियोजना समन्वयक हैं जिला पंचायत जनपद पंचायत रीवई में, ये वहीं जॉब करते हैं, तो इनका हॉर्निया का और कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ था, तो इन्होंने मेडिकल लीव लिया था, मेडिकल अवकाश पे जाने के बाद जब ये स्वस्थ हो गए थे वापस आए, तो उसमें माह अक्टूबर और नवंबर का इनका 2 माह का वेतन रुका हुआ था, जिसके संबंध में इन्होंने सारे पेपर लगाए थे अपने इलाज के, और बाप मांग की थी कि मेरा वेतन निकाला जाए, उसी वेतन निकालने के 2 माह के वेतन निकालने के एवज में जो है CEO जनपद पंचायत रीवा विजय लक्ष्मी मरावी और जो है दूसरा जो बाबू हैं उनके महेंद्र वर्मा, इनके द्वारा जो है क्रमशः 5,000 CEO ने और 1,500 उनने रुपये की मांग की थी, तो आज दोनों को जनपद पंचायत कार्यालय रीवाई में ही 6,500 रुपये की नकद रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त रीवा के द्वारा जो है पकड़ा गया है, अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। खबर रीवा जिला से ही, जहां मंगलवार सड़क दुर्घटना का लेके चर्चा में बना रहा, एक तरफ जहां 2 स्कूली लड़कन के मौत भय, वहीं एक औरत के जहां जान चली गए, वहीं ट्रक चालक खलासी सड़क दुर्घटना के शिकार भी हैं। दूसर घटना सिरमौर थाना के केवटी रोड में भई ही, जहां ट्रक मोटरसाइकिल का ठोकर मार दी थी। ए हादसा में मोटरसाइकिल सवार महिला जमुना बाई के मौत हो गए। यह घटना के बाद वाहन चालक वाहन छोड़ के मौका से भाग निकला। बताई दे कि जब प्रशासन दुर्घटना का रोके के खातिर आपातकालीन मीटिंग बुलाए रही, वही समय ये घटना घटित होत रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से विधि कॉलेज के संबद्धता न होए के चलते सैकड़न लड़कन के भविष्य अधर में लटक गया है। बताए दे कि संबद्धता नवीनीकरण न होए के चलते अधिवक्ता परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से विधि महाविद्यालय के संबद्धता के सूची ऑनलाइन अपडेट नहीं भय, जिसके कारण विधि महाविद्यालय से पास भे लड़कन का अधिवक्ता के रूप में नामांकन नहीं हो पावा। जानकारी लगता है विधि महाविद्यालय के लड़का विश्वविद्यालय पहुंचे, ज्ञापन सौंप के अपने भविष्य के बारे में चिंता जाहिर की ही नहीं। करिए
आप रिस्पॉन्सिबल आदमी से बात करिए, टीचर से बात करिए कि हमसे बात करिए, नंबर काट लेंगे। और जो भी फार्मिलिटीज हैं उनके जो फार्म्स हैं जो एकर वर्क है, राजीव जी आज आपके हेड है। सर हमारा सवाल ये है कि अखंड प्रताप सिंह स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हैं, उनका बीसीआई से क्या लेना है? हेल्प ले रहे हैं इसी तरह से, आपका आपसे काम से मतलब है ना? पर 15 साल काम ले रहे हैं इसे आप। सर एक क्वेश्चन और है इस चीज के लिए, ठीक है बहुत लोगों का फ्यूचर है, स्टेक है बहुत लोगों की, अगर बीसीआई मना कर देगा तो यूनिवर्सिटी हम लोग के साथ क्या करेगी, कौन सी डिग्री देगी, कहाँ हम लोग जाएंगे, इस चीज का आंसर यूनिवर्सिटी हम लोग क्वेश्चन में देंगे, क्योंकि 5 साल तो हम लोगों ने बर्बाद किए अपने यहाँ पे अगर बीसीआई अप्रूवल नहीं देती। फिर फ्यूचर में आप हेड बीमार हो गए हैं, आज हम अभी बात करते हैं, कोई रीजन नहीं होगा सर, 16 साल से कोई रीजन नहीं है सर। नहीं अब देखो 16 साल से क्या बात थी, हम तो हमको आए कुलपति जी को आए तो 1.5 साल 2 साल हो गए है ना, आप हम लोगों के संज्ञान में जब ये बात आई तो हम लोगों ने स्टेप लिया और फीस जमा कराई। 2006 की मतलब 1 साल का 5 लाख हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर। हमारा सवाल यही है, आप बोल रहे हैं आप अभी आए हैं तो आपने भूतपूर्व जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? हम सिर्फ उसकी जानकारी ले सकते हैं, जो रिटायर हो गए चले गए उनकी कोई कार्रवाई हम नहीं कर सकते। तो अभी सर एआई का एग्जाम होने वाला है, हम छात्र उसको दे नहीं पाएंगे, हमारा एक साल बर्बाद हो गया, उस पर आप क्या कहेंगे? हम प्रयास कर रहे हैं आपके हेड से बात करके, बीसीए से बीसीआई से बात करके कोई सेटिस्फेक्टरी जवाब हम आपको देंगे, बात हो जाए हमारी बीसीआई से। सर ये क्या बात हुई, हम कब तक इंतजार करें सर? 15 साल तो नहीं हो पाएगा। डिपार्टमेंट के टीचर कहते हैं कि हम पास कर दिए, अब जाओ जो करना है कर लो, ये क्या बात है? जब तक मान्यता नहीं हम क्या करें? आप लोग हेड से इसी पर क्या करें वहाँ, और आप बात मत करिए, आप रिस्पॉन्सिबल आदमी से बात करिए, टीचर ऐसे ही बात करिए कि हमसे बात करिए, नंबर काट लेंगे सारे ऐसे बात देंगे। नहीं नहीं ये कोई धमकी नहीं है, आप तो पढ़े लिखे आप हल्ला कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा इनजस्टिस ऐसा ऐसा कौन कर सकता है कि हम पे किसकी ताकत है कि फेल कर देगा? पिछली बार भी सर एक बिल्कुल मत डरिए इस बात, गलत धमकी से बिल्कुल मत डरिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। एक नंबर आप संविधान जानते हैं कि आपको कितना अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये बताइए राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं, एक नंबर से फेल भी किया जाए, नंबर पर्याप्त नहीं मिल रहे हैं और फिर वहाँ पे 50-50 ये सब बाद में करेंगे, वो बात नहीं, ये सब सर चीजें, लेकिन कोई धमकी आपको नहीं दे आप उसको सर, आप हमें धमकी दी जा रही है सर, बोला जाता है देख सर आप कुछ टाइम। जिला में हो रही सड़क दुर्घटना से जहाँ लोगन की जान जात लागी वही लोग अपहचा होतला है। बताए दे कि राष्ट्रीय राजमार्ग में होए वाली घटना से प्रशासनिक अधिकारी के माथा से पसीना निकल रहा है, जहां गत दिवस स्कूल वाहन और यात्री बस के बीच भय टक्कर में 2 लड़कन के जहां मौत हो गए वही एक दर्जन से अधिक लड़का घायल भी हैं। लगातार हो रही घटना का देख के प्रशासन सगले रीवा जिला के स्कूल संचालकन के साथ राजकपूर ऑडिटोरियम में बैठक के आयोजन की है, जहां लड़का बीटीएन के सुरक्षा स्कूल में चलावे वाले वाहन के साथ वाहनन में स्कूल के स्टाफ के मौजूदगी के संबंध में चर्चा की गए। आयोजित बैठक के संबंध में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह का कही नहीं सुनी थे, और इसीलिए आप लोगों से अपेक्षा है कि बच्चों के साथ में उनकी जो भावनाएं आपके प्रति जुड़ी है, मैं जब फर्स्ट में था तो जो टीचर मुझे पढ़ाए हैं मुझे उनका बारे में आज भी याद है, मैं फिफ्थ में था हमारे जो वहाँ के मास्टर हुआ करते थे कारवाल सर, उनका नाम मुझे आज भी याद है, तो ये आप लोगों को भी निश्चित रूप से याद होगा और आपके बच्चे भी आप लोगों को याद रखते हैं, अपने क्लास टीचर का नाम ही सबसे पहले क्लास में उसको रटवाया जाता है और समझाया जाता है, बताया जाता है और पूछा भी जाता है जब हम लोग प्रे करते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं, तो ये एक इमोशन वाली चीज़ है, इसको हम लोग पैसों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कई सारे स्कूल्स मैंने देखे हैं जो कि बहुत अच्छे मानक विवाद के रखते हैं, चाहे सबका मैं नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन जैसे अब हमारे लोग मिला वो उनके प्रोग्राम में गए थे, जो भी स्कूल है और भी जो कई सारे हमारे अच्छे स्कूल्स हैं, तो आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं किसी भी स्कूल का किसी स्कूल से तुलना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो काम कोई बड़ा स्कूल कर सकता है वही काम आप आपके छोटे स्कूल में करके एक भावनात्मक मैसेज दे सकते हैं। जारी है उतना बहुत सारे दूसरे कॉलेज से नहीं हो रही, कैंसर से होने वाली मौतें आपकी तुलना में बहुत कम है और कई दूसरे पैरामीटर्स की वो चीज़ें कम है, इसलिए हम लोगों ने हेलमेट का अभियान भी चलाया था। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों को लग रहा होगा
आपको ये बात भी बताना चाहूँगा कि रीवा के कलेक्टर साहब और एसपी साहब इस चीज़ को लेकर पहले से बहुत गंभीर हैं। हम लोग पिछले 6 महीने से हेलमेट को लेकर अभियान चला रहे हैं और इतना सख्त अभियान हम लोगों ने चलाया है कि आप लोगों ने देखा होगा कि करीब 100 दुकानें हेलमेट की नहीं खुल गई रीवा में। रीवा जिले में सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने बहुत सारे कदम उठाए हैं और विशेष तौर पर ये सुनिश्चित किया जा रहा है किसी प्रकार की स्कूल बसों या स्कूल के जो बच्चों के वाहन या दूसरी चीज़ें उनके माध्यम से जो बच्चों का परिवहन होता है वो पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सके। इस परिवहन सुरक्षा को लेकर हम लोगों ने शहर के सारे स्कूल्स की बैठक एक साथ ना केवल रीवा बल्कि सिरमौर सेमरिया और इसके अतिरिक्त त्योथर जवा और मऊगंज हनुमाना जितने हमारे सब डिवीज़न हैं मनगवा रायपुर कचुलिया सभी में एक साथ BOBRC के साथ ली गई है। सभी स्कूल संचालकों प्राइवेट और शासकीय को निर्देशित किया गया है कि वो बच्चों के आने जाने वाले वाहनों का अच्छे से हिसाब रखें, बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें, आते और जाते समय बच्चों के लिए पूरा उन पर ध्यान दें, बच्चों को एक्स्ट्रा सवारी भर के नहीं लाई जा रही है, ख़राब गाड़ी की स्थिति तो नहीं है, बसों की स्थिति ठीक है कि नहीं, इसके लिए कमेटी बना के कार्रवाई करें। कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। उक्त कार्यक्रम के संबंध में मानस भवन में एक बैठक आयोजित की गए जहां रीवा जिला के कई पदाधिकारी के साथ महापौर अजय मिश्रा बाबा मौजूद रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के लोग अपन अपन राय व्यक्त करीन और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का भारत जोड़ो यात्रा के जैसा सफल बनावे के अपील की ही। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मुझे लगभग 10 वर्ष हो गए पार्टी के सचिव के पद पर कार्य करते हुए। 5 साल में उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में रहा, 5 साल मुझे का कार्यकाल मुझे मध्य प्रदेश में पूरा हो गया। पिछले चुनाव में मालवा निवाड़ में था तो मालवा निवाड़ में की वजह सरकार बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी मालवा निवाड़ में। और आज मेरा दिल कह रहा है और जो मेरा दिल कहता है वो ईश्वर उसे पूरा भी करता है। बिंद की वजह से और बुंदेलखंड की वजह से आगे आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में 2003 में कांग्रेस की सरकार बनी कि जो भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम था वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था, वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। देश की आजादी के लिए संघर्ष हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने करा था, देश को आजादी दिलाने का अहिंसात्मक तरीके से बीड़ा उठाया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, उसको तोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसे नष्ट करने का काम कर रही है। जब लोकतंत्र में राहुल जी ने ये कदम क्यों उठाया, क्यों उठाना पड़ा, वो आप लोगों की सबकी पीड़ा को नहीं देख पाए। जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था, लोकसभा में लोकतंत्र खत्म हो गया, विधानसभाओं में खत्म हो गया और जिस तरीके के चुनाव की प्रक्रिया लागू करके जबरदस्ती थोपने का काम कर रहे थे वो यकीनन आने वाले वक्त में बहुत गंभीर परिणाम उसके दिख रहे थे। जिस तरीके से देश को बंटवारे की तरफ ले जा रहे थे, आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बंटवारे का काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने भारत को जोड़ने के लिए, भारत को एकजुट करने के लिए, आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा का नारा दिया और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का पहले प्रथम चरण में उन्होंने कार्यक्रम बनाया। आज खातिर इतने, बघेली में बिंदी के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ।